नमस्कार इंडिया न्यूज 64 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबर अलवर से। अलवर के भूमिका ग्रुप बिल्डर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। मजदूरों को नहीं मिला 3 महीने से वेतन। रेरा से 1 वर्ष के एक्सटेंशन के बावजूद नहीं दिया गया। ग्राहकों को पजेशन 18 महीने में निर्माण का समय दिया, लेकिन 3 वर्ष बाद भी मॉल अधूरा रहा। अपना घर शालीमार परिसर में भूमिका प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा अर्बन स्क्वायर गैलरिया मॉल बनाया जा रहा है। गुरुवार को भूमिका ग्रुप के खिलाफ मजदूरों, इन्वेस्टर्स, कामगारों और ठेकेदारों ने जमकर नारेबाजी करते हुए भूमिका ग्रुप की मनमानी के खिलाफ आक्रोश जताया। ठेकेदार रोहित सैनी ने बताया कि भूमिका ग्रुप लगातार काम करवा रहा है, लेकिन अब तक किए गए कार्यों में मजदूरों को पैसा नहीं दे रहा। ऐसे में GST का पैसा भी जमा कराए जाने के बावजूद भी भूमिका ग्रुप मजदूरों को पैसा नहीं दे रहा। वहीं मध्य प्रदेश से मजदूरी करने आए फौजी का कहना है कि पिछले 3 महीने से काम का पैसा नहीं मिला है, काम ही करा रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे। इस मामले को लेकर गुरुवार को बड़ी संख्या में वहां काम करने वाले मजदूर और कामगार एकत्र हुए, जिन्होंने भूमिका ग्रुप मॉल के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। आइए जानते हैं कि मॉल में दुकान खरीदने वाले इन्वेस्टर घनश्याम सैनी का क्या कुछ कहना है। चीज का पैसा पेंडिंग है, आपका क्या मामला है? हम लोगों ने भूमिका ग्रुप की लगभग 10 से 12 दुकानें सेल की थी, उसका पैसा भी दिलवा दिया, सब चीज़ करवा दिया। हमारा 5 से 7 लाख रुपए अटका हुआ है। पिछले 3 महीने से हमें चक्कर लगवा रहे हैं, बिल पे दे चुके हैं हम लोग, कोई मिलता नहीं। और जो मिलता है तो आश्वासन देता है कि आज करवाएंगे, कल करवाएंगे। अभी फिलहाल भी मैं होकर के आया हूँ अंदर, तो उदयपोदार जी के कोई भाई बंद हैं जो आए हुए हैं, उनसे मेरी बात हुई है। वो ये कह रहे हैं कि सब इस महीने, अगले महीने, मतलब कोई वंचित जवाब नहीं है। अब इसके लिए क्या करें क्या नहीं करें, ये हमारे समझ से बाहर है। बंदा काम करने को तैयार नहीं, पोजीशन नहीं दे रहा। जिनको हम लोगों ने दुकानें सील की है उनको पोजीशन नहीं मिल रही है, वो अलग परेशान हो रहे हैं, वो अंदर बैठ करके चाय नाश्ता कर रहे हैं। तो अब आपकी मांग क्या है फिलहाल? हमारी मांग तो है कि हमारा पैसा हमको मिल जाए और पार्टियों पार्टियों को जो पोजीशन मिल जाए। अच्छा, तो अभी यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी भी जिनको बिल्कुल इनका भी पैसा अटका हुआ है, काम अटका हुआ है इनका बेचारों का, ये कहाँ जाएंगे? तो दिहाड़ी मजदूर है, श्रमिक आदमी है, इनका कम से कम 10 से 12 लाख रुपये इनका अटका हुआ है। एक एक लाख रुपए को कोई ठेकेदार है कि भी किसी का, मैसन का है, टाइल्स वाले का है, सीमेंट वाले का है। किस चीज का पैसा था? हमारा तो सेल्स की है ना, दुकान बेची थी ना, उसका पैसा बचा हुआ है। अच्छा, कितना है आपका? मेरा लगभग 5 से 7 लाख रुपए। अच्छा, तो अभी इन्होंने कब तक देने की बात कही है आप? कोई उम्मीद नहीं है, टाइम नहीं है, अभी दे देंगे। ना तो पोजीशन का टाइम है, ना पैसे हमारे कम मिलेंगे, उसका कोई टाइम है। क्या आपकी प्रमुख मांगे हैं और क्या मामला है? सर जी, हमारी तो एक ही मांग है कि हमारा जो काम किया उसका पैसा चाहिए हमको। अच्छा, कौन सा ग्रुप है, किस जगह आपने काम किया? महावीर कंस्ट्रक्शन तो हमारी फर्म है और भूमिका ग्रुप में हमने काम किया है विद मटेरियल। इसमें ये हमारे सारे ठेकेदार हैं, सप्लायर हैं, उनकी लेबर हैं जो पेमेंट के कारण परेशान हैं। कब से पैसा नहीं मिला आपको, कब से सैलरी नहीं? सर, पैसे की प्रॉब्लम तो शुरू से ही थी। अच्छा, लेकिन अब तो बिल्कुल हमने काम ही बंद कर दिया है, उसके बाद भी हमारे साथ नहीं हो पा रहा है। और लेबर काम कर रही है इस समय इसमें? सर, अभी तो हमारी कोई लेबर काम नहीं कर रही है। अच्छा, और इससे पहले हमारी 70-80 लेबर काम करते थे इसमें। अच्छा, तो कितने दिनों से काम चल रहा था यहाँ पर? हमारा सर काम पिछले 4 महीने से बंद है, उससे पहले 7-8 महीने तक चला था। कितना पैसा आपका बकाया चल रहा है भूमिका ग्रुप के? 20 से 25 लाख रुपया है, और अभी तो एक बिल हमारा फाइनल है जो 2 महीने से चेक कर रहे हैं, जो चेक नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो किस कारण से, कोई कारण बताए कि भी किस कारण? सर, ये फंड की प्रॉब्लम बताते हैं कि अभी हमारे पास फंड नहीं है। अच्छा, ये किसने बोला आपको? जो अंदर इनके बैठे हैं इमरान जी, बिलिंग वाले, उससे पहले प्रदीप जी थे, वो अब तो वो तो चले गए, इमरान सर हैं वो बोलते हैं। अच्छा, असद उत्तलानी जी आए थे, वो भी बोलते थे कि फंडिंग प्रॉब्लम है। अच्छा, तो अब आपकी मांग क्या है मुख्य रूप से? सर, एक ही मांग है, हमारे तो पैसा मिल जाए, लेबर को पैसे दे दे, सप्लायर को पैसे दे दे। लगभग कितना पैसा बकाया है पूरा कंप्लीट? 20 से 25 लाख रुपए। 20 से 25 लाख, और बाकी जो बिल हमारा चल रहा है वो जब वो क्लियर होगा, जब मेन अमाउंट सामने आएगा। तो आज आपने क्या किया है? सर, हम तो शांतिपूर्वक बैठ के अपने पैसों की मांग कर रहे हैं। क्या धरने पे बैठे हैं? हाँ, धरने पे बैठे हैं। क्या नाम है आपका? रोहित सैनी। किस पद पे हैं आप? मैं सर साइट इंजीनियर। बात को लेकर धरने पे बैठे हैं आप? सर, 3-4 महीने हो गए पैसा नहीं मिल रहा हूँ, का करना मजदूर लोग। किस चीज का पैसा है आपका? काम चुनाई का है सर। अच्छा, कहाँ पे काम किया था आप? होटल में। कौन सा ग्रुप है ये? भूमिका ग्रुप। कितने समय से काम कर रहे थे आप? 3-4 महीना होगा सर। अच्छा, किस चीज का काम किया है आपने? चुनाई का। अच्छा, तो आपने अंदर बात करी थी पैसे के लिए? अब बात करी सर, अब जब पैसा मिल जाएगा, जब मिलेगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं अंदर? अभी नहीं मिलेगा। तो धरने पे कब से बैठे हैं आप? हैं? धरने पे कब से बैठे हैं आप? 3-4 दिन होगा सर। 3-4 दिन
तो अब कितना पैसा बकाया है आपका? 1,00,000 रुपए सर। 1,00,000 रुपए। कंपनी का कोई प्रतिनिधि आया है आपके पास यहाँ पर? नहीं आया अब, अभी मिला ही नहीं है सर। तो क्या क्या खाए हम लोग बताओ? कोई नहीं आया अंदर से मिलने आपके? ना नहीं आया सर। क्या नाम है आपका? फौजी। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? राधे श्याम सर ये जी मेरा। हाँ बताइए, क्या? कुछ भी नहीं, भूमि काम मैंने दुकान ली थी, मेरे को उस टाइम दिया, दुकान दिया था उस टाइम, तो मालिक काम भी दे देंगे, आधे पैसे उसमें के जमा कराते रहेंगे और आधे आप दे देना। अच्छा। तो मालिक काम भी हटा दे, उसको कोई बात नहीं, उसके पेमेंट भी नहीं दिया और मैंने 75% दुकान के पैसे दे दिए, अभी तक दुकान का नक्शा भी पता नहीं खापे है, कुछ भी नहीं है। तो आपने जब बात करी क्या कह रहे थे ये लोग? 18 महीने का टाइम दिया था, अब तक 3 साल हो गए कुछ भी नहीं है। तो अभी आप अंदर मिल गए हैं और कुछ बोला था क्या कंपनी ने कि नहीं? नहीं नहीं, आज तो नहीं गया मैं, 2-3 दिन पहले गया था, आज तो नहीं गया सर। तो पैसे कितने जमा कराए आपने? 75%। अच्छा, तो पोजीशन कब तक देने की बात कर रहे हैं? 18 महीने की गई थी। तो 18 महीने पूरे हुए कि नहीं हुए? 3 साल होगी साहब। 3 साल हो गए, अभी तक नहीं मिली? नहीं मिला। तो कंस्ट्रक्शन का काम कितना हुआ है अब तक? कुछ भी नहीं, दुकान है ही नहीं है, खाली पड़ा है अभी तो, सिर्फ छत डली और कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम? बस सिर्फ छत डली है। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या दिए हैं आपको? डॉक्यूमेंट दिए हैं मुझे, जो एग्रीमेंट कराया है वो, और जो पैसे दिए उसकी रसीद है मेरे पास, सब चीज। लेकिन दुकान नहीं मिली? दुकान नहीं मिली। कितनी परसेंट दुकान सेल हो चुकी है इसमें? 20-25 बता रहे लोग, पता रहे मुझे, एक्चुअल पता नहीं। वो बन गई क्या सारी अंदर दुकान? कुछ भी एक भी नहीं बनी, सिर्फ ढांचा है, ऊपर लेंटर है और दीवारें भी ओढ़ की। तो आप क्या मांग करते हैं? हम तो कुछ नहीं मांगते, या तो हमारा पैसे दो ब्याज समेत और या हमको दुकान दे दो, हमारे जो पैसा है वो सब अभी ले लो और अभी चाबी दे दो। तो अभी आप कहाँ बैठे हैं? धरने? हम धरने पे बैठे, भूमिका के बाहर गेट पे। हाँ भैया बताइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हुकम चंद वर्मा है, हम साइन इंडस्ट्रीज से हैं, फर्म है हमारी साइन इंडस्ट्रीज। सर हमने इसमें लोहे का काम किया है, एमएस का, इसमें इसमें मॉल में सर, भूमिका ग्रुप में। अच्छा। सर महावीर कंस्ट्रक्शन के जरिए हमने किया था। अच्छा। कुछ हमने अलग इस भूमि ग्रुप में डायरेक्ट भी किया है सर, पूरा स्ट्रक्चर का ऊपर का काम किया है जी। और सर नीचे शटर भी लगाए फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे। अच्छा। और सर पेमेंट का भी हाल हो रहा है सर। कितने समय हो गया आपका पेमेंट? सर हमको रहा करीब 7-8 महीने हो गए सर। अच्छा। 4 महीने से काम बंद है। कितना पेमेंट बकाया है आपका? सर हमारा 8-9 लाख के करीब है। कितने दिनों से काम कर रहे थे आप यहाँ पर? सर हमको तो 6-7 महीने हो गए सर काम किया लगातार। अच्छा, तो अभी ये जैसे आपने पेमेंट के बारे में जो सर इनसे हम कहते हैं तो कहते हैं फंड नहीं है, पीछे से ऐसे ही बोल देते हैं सर। प्रदीप जी थे पहले, उन्होंने भी ये कहा था, अब ये सर हैं इमरान जी, उन्होंने भी ये कहा। अब आज आपने क्या किया है? सर आज हम शांतिपूर्वक अपने धरने पर बैठे हैं सर। कितने कर्मचारी हैं जो आज धरने पर बैठे? सर करीब 100-120 के करीब हैं सर। तो ये इन सबों की मुख्य रूप से मांगे सर यही है कि हमको पैसा दे दो सर, मजदूर वर्ग है सर, कहाँ से वो क्या करें। तो लगभग कितना पैसा बकाया चल रहा है सर इनका? तो हमारा तो 7-8 लाख के करीब है और सर पूरा टोटल 20-25 लाख है, कुछ बिल पे नहीं हुए सर अभी, उनके बिलें। हाँ सर बिल बनेंगे तो उनके बारे में फिर बाद में होगा। तो आपने अभी जब प्रबंधन से बात करी तो क्या कह रहे हैं अभी ये लोग? सर यही कहते हैं पीछे से कि पेमेंट नहीं है, फंड नहीं है हमारे पास, दे देंगे बस, यही 4 महीने से यही सुनते आ रहे हैं सर, आते जाते हैं चले जाते हैं, कभी मिलते भी नहीं है कोई। क्या नाम है आपका? सर हुकम चंद वर्मा।